शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने PCPNDT एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मोहद्दीपुर स्थित जनता डायग्नोस्टिक सेंटर तथा पादरी बाजार स्थित साईं डायग्नोस्टिक सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया, जिसके संबंध में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व PCPNDT एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर NK पांडे ने बताया कि डॉक्टर हरिद्वार गौण उक्त दोनों केंद्रों के पंजीकृत सोनोलॉजिस्ट थे, फिर भी दोनों केंद्रों ने कुछ समय पूर्व चिकित्सक डॉक्टर हरिद्वार गौड़ की मृत्यु की सूचना उस केंद्रों द्वारा अब तक कार्यालय को नहीं दी गई थी, जो अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए दोनों केंद्रों की अल्ट्रासाउंड मशीन को मौके पर सील कर दिया गया। इन केंद्रों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई एवं दिशा निर्देश हेतु यह प्रकरण जिला सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व PCPNDT एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर NK पांडे ने कहा, ये दो सेंटर थे जो कि एक ही डॉक्टर द्वारा संचालित किए जा रहे थे, डॉक्टर हरिद्वार गौड़ साहब के द्वारा। और हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ये अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग उनके यहाँ उस सेंटर पर गए और उस मशीन को आज हम लोगों ने सील कर दिया। नहीं, वो उनके नाम से रजिस्टर्ड हुआ था, वहां के सोनोलॉजिस्ट वही थे। PNDT में वाद परिवाद दाखिल होता है, सीधे कोर्ट में जाता है। अभी हम लोग इसको जिला सलाहकार समिति में प्रस्तुत करेंगे और वहां से जैसा निर्णय होगा उसके हिसाब से करेगा। सर, इस टाइप की तो कई जगहों पे हो सकता है, तो क्या पर्टिकुलर शिकायत पे आपको जानकारी मिलती है कि आप एक्ट करते हैं कि सोमोटो एक्ट करते हैं? दोनों ही करते हैं। अगर हमको जानकारी मिली तो भी हम जाते हैं और उसको मोटो भी। जैसे कि इन डॉक्टर साहब के बारे में जब पता चला कि ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया ट्रेजडी, तो फिर हम लोगों ने देखा कि हम इनके नाम से हमारे यहाँ दो सेंटर थे और इन दोनों ने ही अभी तक हमको खबर नहीं दिया है, तो फिर हम लोगों ने इन पर कार्रवाई की।